हेलो एवरीवन, आइए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्मार्ट आर्ट में साइकिल लेआउट को समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्मार्ट आर्ट में साइकिल लेआउट किसी सर्कुलर प्रोसेस या रिकरिंग सीक्वेंस यानी एक खास तरतीब से बार बार होने वाले अमल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि साइकिल लेआउट किसी ऐसे अमल या प्रोसेस के मुख्तलिफ स्टेजेस या मराहिल को ग्राफिक की सूरत में एक खूबसूरत और दिलकश अंदाज में इंसर्ट करता है, जिनमें स्टेजेस या मराहिल आपस में कनेक्टेड हो और एक कंटिन्यूस लूप बनाते हो। कंटिन्यूस लूप से मुराद एक ऐसा अमल है जो जब एक बार मुकम्मल हो जाए तो दोबारा स्टार्ट से शुरू हो जाता है। इन ऑर्डर टू इंसर्ट साइकिल लेआउट अंडर स्मार्ट आर्ट, आप इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें, स्मार्ट आर्ट का कमांड सेलेक्ट करें तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इसमें से आप साइकिल का लेआउट सेलेक्ट करें। ठीक है, तो साइकिल लेआउट के ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। इनमें से आप अपनी पसंद का कोई भी फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं ये टेक्स्ट साइकिल ये चूज़ करता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और ओके क्लिक करूंगा। तो ये देखिए, ये एक साइकिल का जो ग्राफिक है ये इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं एंट्री करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव हो जाएगा, कर्सर इसमें आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले यहाँ पे क्लिक करें। सपोज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अपने डेली रूटीन का साइकिल, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आई वेक अप, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा वेक अप। ठीक है, फिर मैं चूँकि मेरे पास ऑलरेडी इसमें 5 टेक्स्ट बॉक्सेस है तो अगले टेक्स्ट बॉक्स में मूव करने के लिए मुझे इंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ डाउन एरो प्रेस करूँगा। ठीक है, तो ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव हो जाएगा और कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। तो सपोज़ ये दूसरा वेकअप कर जागने के बाद मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूसरा जो स्टेज है साइकिल का मैं वो इंसर्ट करूँगा। ठीक है, मॉर्निंग वॉक। अब अगले टेक्स्ट बॉक्स पे जाने के लिए यानी इस साइकिल का अगला स्टेज डिफाइन करने के लिए मैं सिर्फ डाउन एरो प्रेस करूंगा ताकि कर्सर अगले टेक्स्ट बॉक्स में जाए। ठीक है, तो मॉर्निंग वॉक के बाद फिर मैं ऑफिस जाता हूं। ठीक है, अब अगले टेक्स्ट बॉक्स में जाने के लिए मैं फिर से डाउन एरो की प्रेस करूंगा। ठीक है, तो सपोज ऑफिस से फिर मैं वापस आता हूं होम। ठीक है, फिर मैं अगला इस साइकिल का अगला स्टेज डिफाइन करता हूँ। ठीक है, तो मैं डाउन एरो प्रेस करूँगा ताकि कर्सर अगले टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए। तो सपोज़ फिर मेरा ये लेज़र टाइम है। ठीक है, सपोज़ अब मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो डेली रूटीन है इसके 6 स्टेजेस में डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एक नया टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए मैं इंटर प्रेस करूँगा, एक नया टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और सपोज़ इसके बाद फिर स्लीप, और स्लीप के बाद फिर दोबारा वेकअप। इसी तरह आप इसमें वाटर साइकिल या बटरफ्लाई का जो लाइव साइकिल है या दीगर साइकिल्स हैं वो आप इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, ये साइकिल लेआउट एक लूप को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, मतलब वेकअप, मॉर्निंग वॉक, ऑफिस, होम, लीजर टाइम, स्लीप और फिर अगली सुबह फिर वेकअप। तो ये एक लूप है, कंटिन्यूस लूप है। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ रूटीन में रोज़ाना की बुनियाद पर अकर हो रही है। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने साइकिल का लेआउट चूज़ किया है। ठीक है, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और इस पर मज़ीद कुछ फॉर्मेट्स अप्लाई करता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ताकि पूरा ये टेक्स्ट, ये ग्राफिक जो है ये सेलेक्ट हो जाए। तो मैं अगर इस पर दीगर फॉर्मेट अप्लाई करना चाहूँ तो होम मेन्यू पर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज़ मैं एरियल नैरो रखता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं साइज़ भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज़ मैं इसको 24 रखता हूँ। तो अब देखिए, इसमें ये टेक्स्ट प्रॉपरली अलाइन नहीं हो रहा है। तो मैं इसको अगर यहाँ पे आके इसकी हाइट को इंक्रीज़ करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं इसमें टेक्स्ट प्रॉपरली अलाइन हो रहा है। ठीक है, और ये जो ग्राफिक है, ये साइकिल है, ये भी अब प्रॉपरली अलाइन हो रहा है विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द ग्राफिक। ठीक है, तो अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कम करूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसका साइज़ कम कर सकता हूँ। मैं 20 रखता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। इसको लेफ्ट, सेंटर, राइट, अलाइन और जस्टिफाई भी
कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज़ मुझे ये स्टाइल जो है ये पसंद नहीं है, मैं कोई और साइकिल का जो लेआउट है उसका कोई और फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, डिज़ाइन मेन्यू पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अगर लेआउट के कमांड पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स डिस्प्ले हो जाता है। आप एक एक करके देख लें और इसमें से अपनी पसंद का कोई भी फॉर्मेट आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि ऐसा फॉर्मेट आप सेलेक्ट करें जिसमें आपका जो टेक्स्ट है वो प्रॉपरली अलाइन हो रहा हो, ठीक है, और आपकी तमाम स्टेजेस इसमें डिफाइन हो रहे हो, आपके जो आप जो जिस साइकिल को डिफाइन कर रहे हैं तो उसके तमाम स्टेजेस इसमें डिस्प्ले हो रहे हो। ठीक है, सपोज़ हम ये चूज़ करते हैं। अब हम इसका कलर थीम भी चेंज कर सकते हैं, तो कलर थीम चेंज करने के लिए आप चेंज कलर के ऑप्शन बटन पर क्लिक करें, ठीक है, और फिर इसमें से जो भी कलर थीम आपको पसंद आए आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्मार्ट आर्ट स्टाइल के कमांड पर क्लिक करूँगा। ये मुख्तलिफ स्टाइल है, आप जिसके सामने भी अपना माउस पॉइंटर लेके जाएंगे वो आपको प्रीव्यू दिखाएगा। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे, जो आपको पसंद आए, आप उसमें से वो स्टाइल सेलेक्ट करें। ठीक है, अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं इस साइकिल में किसी स्टेज को डिफाइन ना करूँ, तो मैं क्या करूँगा, मुतालिका टेक्स्ट बॉक्स में डिलीट करूँगा। ठीक है, सपोज़ मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं ये होम वाला स्टेज डिफाइन ना करूँ, तो मैं होम के टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करूँगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट की प्रेस करूँगा, तो इस तरह ये डिलीट हो जाता है। अगर मैं यहाँ से नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का जो एडिट डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाता है। ठीक है, मैं होम पर डबल क्लिक करूँगा ताकि ये सेलेक्ट हो जाए और डिलीट की प्रेस करूँगा। अब टेक्स्ट तो डिलीट हो गया लेकिन टेक्स्ट बॉक्स अभी भी है, ये देखिए, तो इस टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करने के लिए मैं एक बार बैक स्पेस की प्रेस करूंगा। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स इस तरह डिलीट हो जाता है। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं इसमें एक और स्टेज को भी डिफाइन करना चाहता हूँ, तो जहाँ पे मैं डिफाइन करना चाहता हूँ वहाँ पे मैं कर्सर लेके आऊँगा। ठीक है, सपोज़ मैं लेजर टाइम के बाद एक स्टेज डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, कर्सर आ जाएगा। अब एक बार मैं इंटर की प्रेस करूँगा तो ये एक नया टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया है जहाँ पे हम इस साइकिल का एक और स्टेज डिफाइन कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि स्टडी टाइम, यानी लेजर टाइम के बाद फिर मेरा स्टडी टाइम है और उसके बाद फिर स्लीप है। ठीक है, तो इसी तरह मैं मुख्तलिफ स्टेजेस इंसर्ट भी कर सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं इस जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट बॉक्सेस पर कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट अप्लाई करूँ, तो सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं स्लीप और ऑफिस के जो टेक्स्ट बॉक्सेस, इन दो टेक्स्ट बॉक्सेस पर कुछ स्पेशल फॉर्मेट्स अप्लाई करूँ, तो मैं इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने का तरीका बहुत आसान है, पहले मैं स्लीप के टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करूँगा, ये सेलेक्ट हो गया, अब शिफ्ट की प्रेस करूँगा और होल्ड रखूँगा और ऑफिस के टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करूंगा, तो इसी तरह अब ये दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस सेलेक्ट हो गए। अब मैं इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस पर फॉर्मेट्स अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो जो फॉर्मेट्स मैं अप्लाई करूंगा वो सिर्फ इन दो टेक्स्ट बॉक्सेस पर अप्लाई होंगे। ठीक है, सपोज मैं यहां से इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज करता हूं। ठीक है, साइज इसका मैं इंक्रीज करता हूं, 24 रखता हूं, इसको बोल्ड भी करता हूं और इसको इटैलिक और अंडरलाइन भी करता हूँ। ठीक है, और इसी तरह मैं इसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं सब टेक्स्ट बॉक्सेस पर करना चाहूँ तो फिर मुझे पूरे टेक्स्ट पूरा जो ग्राफिक है इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और पूरे ग्राफिक को सेलेक्ट करने का तरीका बहुत आसान है। आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, जब ये फोर साइडेड एरो बन जाए आपका माउस पॉइंटर। ठीक है, तो अब जो फॉर्मेट्स मैं अप्लाई करूंगा तो अब ये पूरे मतलब चार जितने भी ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इन सब पर अप्लाई होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप साइकिल का लेआउट ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।